झगड़ो उसको और तेजी से। हाँ जोर से, हाँ और जोर से। पूरी ताकत लगा कितनी देर तो। और जोर से बुलाओ बाहर से तेजी के साथ में, फौज को बुलाओ, उसको जकड़ के लो, उसको काट लू तेरे, करू दो टुकड़े, टांग दू बाहर मुंडी ये काट के। हाँ और जोर से। कहां से पकड़े थे? शमशान से, कब्रस्तान से। हाँ क्या बोले, इसको मार दो बोले। हाँ कब मारो बोले, अम्मास में पुन्नम में, जल्दी टाइम नहीं मेरे पास। हाँ कब मारो बोले उसको। छोड़ते तो नहीं देखो भाई साहब, छोड़ेंगे भाई साहब। छोड़ देने तो काट के अभी भस्म करता हूँ। हाँ बुलाओ उसको तेरे साथ में। हाँ कहाँ से पकड़े, कहाँ से पकड़े, शमशान से, कब्रिस्तान से। छोड़ू छोड़ू कि नक्को छोड़ू, छोड़ दूँ, कहाँ से, शमशान से। सवाल का जवाब दे, छोड़ देता हूँ मेरे सवाल का जवाब। क्यों जादू करे इस पे? हाँ क्या नाम है? रूबीना। रूबीना भी पे कहीं को जादू करे? हाँ कहीं को करे, याद आया? हाँ बाल लिख गए थे, चप्पल लिए थे, कपड़ा लिए थे, क्या लिए थे जादू करते टाइम पे, क्या लिए थे, क्या लिए थे? हाँ याद नहीं आ रहा, याद आ रहा, याद आ आया। हाँ क्या लिए थे, चप्पल, मट्टी, कपड़ा, बाल, क्या लिए थे जादू चलाते वक्त? हाँ और वो बच्ची का क्या लिख गए, वो पीछे वाली बच्ची का क्या लिख गए, उसका क्यों सड़ा रहे आंग? हाँ क्या लिए, उसका कपड़ा लिए, चप्पल लिए, मट्टी लिए, बाल लिए, उसका क्या लिए थे जादू करने को? चप्पल, बच्ची का चप्पल, चप्पल, चप्पल। कौन उसके माँ के रिश्तेदार थे, बाप के रिश्तेदार थे? चप्पल, चप्पल। ये अम्मास में करे, पुन्नम में करे जादू बच्ची पे वो? अम्मास को, अम्मास को, अम्मास को, अम्मास को। अच्छा उसको कुछ ला के खिलाए क्या, डायरेक्ट जादू करे? अम्मास को, अम्मास को करे, 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 करे। शादी नहीं होना बोल के उसकी? हाँ नहीं होना उसकी शादी, नहीं होना उसकी शादी। अच्छा उसके माँ के तरफ नाम नहीं पूछा मैं, कौन करे जादू? खाली इतना बताओ उसके माँ के तरफ के रिश्तेदार है, बाप के? उसके बाप के, उसके बाप के है, उसके बाप के। चला उसके बाप के है। बच्ची को कुछ खिलाए क्या? खिलाए, 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 खिलाए। में कौन सा खाना है? खिलाए, खिलाए, खिलाए उसको, उसको खिलाए खाना। उसके बाप के रिश्तेदार ने कहा उसके बाप के बच्ची नहीं देना, बच्ची नहीं करना उसकी, उसकी बच्ची नहीं करना, उसकी बच्ची नहीं करना बोल रहे उन्हें, उसकी हर परेशानी, उन्हें ऐसे झगड़े करना, उन्हें अच्छा नहीं रहना, उसके बच्चे ने तक फिरना, उसके उसके छोकरे को तक पागल बनाए उन्होंने, उसके बेटे को तक पागल, क्या करे बेटे को, उसके बेटे को भी खिलाए उन्होंने, उन्हें उन्हें कमाई में बरकत नहीं देना, बाप को कमाने नहीं लगना, घर में झगड़े करना, रात भर फिरना, उसके बाप ने, उसके बाप ने कुछ नहीं देना उन्हें, उसके बाप को ऐसा फिरन देना, उसके बाप को परेशान करना उन्हें, कमाई नहीं देना, बच्ची नहीं करना, उनकी बच्ची देने की उसको, उनकी बच्ची देने की उसको, उनकी बच्ची नहीं करना, ऐसे सड़ा देंगे, ऐसा सड़ा देंगे, उनकी बच्ची देने की उसको, वो बच्चे को उनकी बच्ची देने की, उसके बाप के रिश्तेदार है, उसके बाप के है। अभी नाम नहीं पूछा मैंने, बस अब बाद में पूछूंगा दूसरे चक्कर में सब। चल नारा झगड़ लो इसको तेरे साथ में, चलो इसको बन के डालो, इसको जाओ बाहर बन के डालो।
पानी पिलाओ इनको। अरे रूबीना भी क्या नाम इनका? रूबीना। हाँ पानी पियो, पानी पियो। मुखा ज्यादा मत हटाओ, कैमरा चालू है। हाँ क्या बयान करूँ मैं, क्या दास्तान बयान करूँ भाई, तो मेरी जबान बोलता नहीं, मैं सामने पूछा देता हूँ भाई। जो तुमने वो भी बता दिया कि कुछ मसला इनका ऐसा, वो कौन है क्या, उनके फेस तो नहीं बता रहा मैं, क्योंकि बच्ची का कैसा है, अनमैरिड बच्ची, उसका मैरिड होने वाला था, तो मैरिड होने से पहले से अम्मास में ऐसा कमाल कर दिए कि जिस्म सड़ा दिए पूरा, इसलिए मैं उनका किसी का फेस नहीं बता रहा हूँ। और जिसम सड़ाने के बाद में ऐसा कर दिए कि उस बयान सुन लो, कौन करे क्या करे क्या दास्तान है, वो तो मैं पूरे नामों के साथ आगे पूछूंगा, मगर इन शॉर्ट में मैंने अभी ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, मगर फिर भी मैंने उतनी दास्तान तसल्ली के वास्ते पूछा दिया। हर चीज के अमल के, हर दास्तान के, हर चीज के तरीके अलग अलग रहते, वार है, जादू है, चल गया ठीक है, इबादत करो, इबादत से तो कटिंगा पत्थर की लकीर है, उसको काटने के तरीके भी बताया अल्लाह ने, जो भी अमल करना है, जिक्र अस्कार करना है, इबादत करना है, या जो भी उसका पलटवार है। अब तुमको बुखार है तो पेट, बुखार है तो बुखार की गोली खाना पड़ेगा, सिर दुख रहा तो सिर दर्द की गोली खाना पड़ेगा, भूख लगी तो खाना खाना पड़ेगा, प्यास लगी तो पानी पीना पड़ेगा। तुम ऐसा तो नहीं है ना प्यास लगी तो खाना खा के प्यास बुझा देंगे, या भूख लगी तो पानी पी के भूख बुझा देंगे, नहीं जमता ना। हर चीज को अल्लाह ने उसके दायरे के अंदर मुकर्रर करा और उस हिसाब से उसको तरजीह दिया, यानी कि उस तरीके से तुम वो करके जो भी है तो अमल को राइट करना। और तुम बोलिए कि नहीं भूख लगी मैं पानी पी के पेट भर दूंगा, नहीं मैं प्यास लगी मैं खाना खा के प्यास बुझा दूंगा, ऐसा नहीं जमता। हर चीज का एक थेरी होती है, हर चीज का एक तरीका होता, उसको उस तरीके से काट के जला के राख करना पड़ेगा, तो वो सब अमल जल के राख होंगे। बीमार होने के बाद तुम पेशेंट को बोलिए कि मरीज है, बुखार आया इसको, या जो भी एक्स वाई जेड बीमारी आई, इसको हम वकील के पास ले गया, किसकी बीमारी निकाली तो निकलती है, नहीं डॉक्टर के पास जाना पड़ता। और केस है कोई मैटर है और तुम बोलेंगे नहीं ये मैटर हम लेके, ये मैटर डॉक्टर के पास जाके सॉल्व करेंगे, क्रिमिनल या सिविल या एक्स वाई जेड जो भी मैटर रहेगा, तो उसको तुम बोलेंगे नहीं हम डॉक्टर के पास जाके सॉल्व करेंगे, होता क्या नहीं, कोर्ट जाना पड़ता, वकील के पास जाना पड़ता। तो हर चीज को एक अल्लाह ने दायरे के अंदर उसको उसके हद तक मुकर्रर करार दिया, अल्लाह उसको उस पर तरजीह दिवाली है, और वहां तुमको उस हिसाब का हल मिलेगा। तुम बोलेंगे कि खेत में हम क्या बोलते तो अनाज पेरेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या बोलते तो आटा पीसे वाला खेत में से निकालेंगे नहीं, जमता ना पहले गेहूं निकलेंगे, गेहूं गिरनी पे जाएंगे वहां से पीस के तुमको आटा मिलेगा, यानी कि अल्लाह ने हर चीज के अलग अलग असबाब बनाए, या उस हिसाब से उसके थेरो काम लेता वो, तो तुम उनको भी ये जादू टोने हटाना है तो उसके तरीके से अमल करना पड़ेगा, तो कटेगा। अपने दिल के मनमानिया करेंगे तो कुछ भी नहीं होता, तो फिर बराबर जान जाती, इसलिए जानों को बचाना है, अमल करना है तो उसको उसके तरीकों से हल कराना पड़ता। हर चीज है अमल, अमलियात में क्या ताकत नहीं रखा अल्लाह ने। मुसलमानों नालायक लोगों, आधे से ज्यादा नालायक मर गए, ए तुम्हारे अक्ल मत मारे गई, तुम्हारे बाप दादाओं ने जिक्र अस्कार इबादत अल्लाह रसूल की रस्सी मजबूती से थाम के पूरे दुनिया पर हुकूमत करके बताए थे, मुट्ठी भर के रह के, और आज तुम दुनिया भर के रह के पिट जा रहे, क्यों पिट जा रहे, तुमने अमल अमलियात की, जिक्र अस्कार की, इबादत की राह छोड़ दिए। जब जादू टोना है तो अमल अमलियात भी है ना, जब जादू टोना चल सकता तो अमल अमलियात क्यों नहीं चल सकते, अमल अमलियात से भी तो काट सकते ना जादू टोने को, जिक्र अस्कार से, इबादतों से। जब जिन्नात शैतान है तो मौकिलात भी है ना अल्लाह ने रखा है, वो भी तो आएंगे और तुम्हारी हिफाजत करेंगे। तुम मांगो जानी माज बिछाओ, अल्लाह से मांगो तो मदद मिलेंगी, और मनमानियां करोगे नहीं, हम जादू से जादू काटेंगे, शैतान से शैतान काटेंगे, तो बेवकूफ है तुम लोग, गर्क और हलाक हो जाएंगे इस वबाओं में घिर कर। और अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे ये वबाओं से, ये बलाओं से, ये शैतानों से, जिन्नातों से, जादू टोने से। और अगर तुम मनमानियां करेंगे और तुम बोलेंगे कि हम नहीं मानते ये बातों को, हम बड़े अफसर, हम फलाना, कोई अफसर को गिनता नहीं जादू टोना, किसी पढ़े लिखे को गिनता नहीं, कुछ नहीं। और यहूदो नसारा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जादू टोने की मदद लेते, सबसे ज्यादा, मेरे से तो कोई बात नहीं छुपा सकते, मैं शैतानों से पूछाता हूँ सामने लाके, मेरे से क्या छुपा सकते हूँ। तो जादू टोने की ऐसी मदद लेते हैं दुनिया के अंदर, जंगों के अंदर तक वो जादू टोने की मदद लेते, तो फिर तुम भी तो मोमिन बन दो, अल्लाह की मदद मांगो ना, अल्लाह से दुआ करो ना, मौकिलों की फौज भेज के देगा ना, फरिश्तों की फौज भेज के देगा ना, जंगे बदर का वाकया पढ़ो ना, फरिश्तों की फौज कैसी उतरी थी, सब देखने वाले मौरखीन ने क्या क्या लिखे वाले, कैसे कैसे बातें। तुम इल्म हासिल करेंगे तो तुमको ये सब बातें पता चलेंगे, और तुम इल्म हासिल करने के बाद भी ये बातों को नहीं मानेंगे बोलेंगे, तो फिर तुम जानकर भी अनजाने बन रहे हो, जानकर अनजाने बनेंगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा। जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे,
बार बार मैं तुम लोगों को यही बोलता हूँ, इबादत की रस्सी कुरान अल्लाह रसूल हदीस, ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, घर के अंदर एक मामूल बनाओ, रोज रात में सूरह यासीन सुनकर सोया करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो सूरह यासीन बोलकर यूट्यूब में डालो, आ जाता गौर से सुनो, 5 मिनट लगेंगे सुनने, मगर वो 5 मिनट तुम सुनेंगे रात में सुने तो सुबह तक महफूज रहेंगे, और सुबह में सुनेंगे तो शाम के सूरज डूबे तक महफूज रहेंगे। तो इसलिए तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगे, तुम्हारी फैमिली महफूज रहेंगे, तुम सब लोग खुशहाल रहेंगे, वरना किसी का कुछ नहीं जाता। बस बार बार मैं ये बोलता हूँ, जिसको आता नहीं कुछ वो लोग तुम्हारे बर्बाद और हला कर देते, ले जाके घर कर तबाह बर्बाद करके, कहीं नहीं सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो रोक दो।